बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स को मुकम्मल कर लिया था, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि नेटवर्क्स क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट की डिटेल्स देखी थी। आज के लेक्चर में हम आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 डेटा कम्युनिकेशन का आगाज करने जा रहे हैं और जिस तरीके से हमारा ये अंदाज रहा है कि हम किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके टॉपिक्स को, यानी हम कौन कौन से टॉपिक्स को इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं उसकी डिटेल्स आपको देते हैं। और क्योंकि हम सिर्फ आपकी बुक यानी पंजाब टेक्स्ट बुक को नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान में तमाम इंटर कंप्यूटर साइंस की 11th क्लास की बुक के टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि बुक्स की वजह से टॉपिक्स में कुछ फर्क आए, तो वो भी हम इस लेक्चर के अंदर आपको बताते हैं। तो दोस्तों आइए चैप्टर नंबर 3 के ओवरव्यू का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन। इसके अंदर ये जानेंगे कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होती है, क्यों बनाई जाती है और इसके क्या क्या फायदे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि डेटा कम्युनिकेशन के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, यानी डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम सेंडर, रिसीवर, मैसेज, चैनल और इनकोडर और डिकोडर की डिटेल्स देखेंगे। इसके बाद जो हम अगला टॉपिक कवर करेंगे वो होगा टाइप्स ऑफ डाटा। इसके अंदर हम टेक्स्ट डाटा, न्यूमेरिक, इमेज, ऑडियो और वीडियो की डिटेल्स देखेंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक हम कवर करेंगे वो होगा डाटा रिप्रेजेंटेशन, यानी कंप्यूटर के अंदर डाटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास डाटा इस फॉर्म में मौजूद है, तो इसके लिए हम डाटा रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। और क्योंकि कंप्यूटर के अंदर डाटा 1 और 0 की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इन तमाम डेटा को किस तरीके से इनकोड किया जाएगा वो हम इनकोडिंग ऑफ डेटा के अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर हम BCD, EBC, DIC, ASCII और यूनिक कोड की डिटेल्स देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि डेटा को ट्रांसमिशन डेटा कम्युनिकेशन के स्टैंडर्ड्स की डिटेल्स देखेंगे। उसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, यानी एक डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसकी डिटेल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम सिग्नल्स और उनकी टाइप्स, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स को देखेंगे। उसके बाद ट्रांसमिशन मोड, या फिर इसको डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन भी कहा जाता है, के अंदर हम सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स की डिटेल्स देखेंगे। और इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन का लास्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, जिसके अंदर हम पैरेलल और सीरियल ट्रांसमिशन और सीरियल ट्रांसमिशन के अंदर सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस की डिटेल्स देखेंगे। के बाद हम अगला टॉपिक बैंडविड्थ और डेटा कम्युनिकेशन स्पीड को भी देखेंगे। दोस्तों ये जो मैं स्लैश डाल के लिखा है, इसका मतलब ये है कि कुछ बुक्स के अंदर इस टॉपिक का नाम बैंडविड्थ है और कुछ बुक्स के अंदर इसका नाम है डेटा कम्युनिकेशन स्पीड। तो नामों के फर्क की वजह से आप ये नहीं समझिएगा कि अलग अलग टॉपिक है, इसीलिए मैंने स्लैश डालकर इनको आपके सामने पेश की है। इसके अंदर हम देखेंगे बेस बैंड, नैरो बैंड, वॉइस बैंड और ब्रॉडबैंड को। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, कम्युनिकेशन मीडिया। इसके अंदर हम गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया, और गाइडेड मीडिया यानी वायर्स के अंदर ट्विस्टेड पेयर, फाइबर ऑप्टिक और कोएक्सियल केबल की डिटेल्स देखेंगे। और अनगाइडेड मीडिया के अंदर माइक्रोवेव, सैटेलाइट्स और मोबाइल कम्युनिकेशन की डिटेल्स देखेंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक हम कवर करेंगे वो होगा कम्युनिकेशन हार्डवेयर, जिसके अंदर हम मोडेम और इसकी टाइप्स को देखेंगे। और ईथरनेट का टॉपिक भी इसी कम्युनिकेशन हार्डवेयर के अंदर है, लेकिन पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर ये ईथरनेट का टॉपिक चैप्टर नंबर 2 में था, इसीलिए हम इसको पहले से कवर कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम इसकी डिटेल्स नहीं देखेंगे, लेकिन आपको बताना मेरा फर्ज था। तो यहाँ पर ये ईथरनेट जो है, जिसको भी इस टॉपिक को पढ़ना हो वो मेरे चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर्स देख सकता है। के बाद हम एक आखिरी टॉपिक करेंगे कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि आपकी बुक में और पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली दूसरी बुक्स के अंदर क्या क्या फर्क है। सबसे पहला कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि लेकिन पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली दूसरी बुक्स के अंदर ये टॉपिक मौजूद है, तो हम इस टॉपिक को भी कवर करेंगे। इसके अलावा डेटा रिप्रेजेंटेशन और इनकोडिंग ऑफ डेटा पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर चैप्टर नंबर 3 में मौजूद है, जबकि
पाकिस्तान में पढ़ाए जाने वाली दूसरी बुक्स के अंदर ये चैप्टर नंबर 1 में मौजूद है, जिसको हम पहले से बहुत ही ज्यादा डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिनको भी इसकी डिटेल्स देखनी हो तो वो चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर्स में देख सकता है। लेकिन हम आप लोगों के लिए दोबारा इस टॉपिक को थोड़ा बहुत कवर करवाएंगे, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा डिटेल चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही मौजूद है। इसके अलावा डेटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड, क्योंकि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ये भी पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली दूसरी बुक्स के अंदर ये टॉपिक मौजूद है, लेकिन पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर ये मौजूद नहीं है। तो इस टॉपिक को भी हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा OSI मॉडल और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स भी हम पिछले चैप्टर इंफॉर्मेशन नेटवर्क में कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि पाकिस्तान की दूसरी बुक्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 में है। तो जिनको भी ये चैप्टर कवर करना हो, ये टॉपिक कवर करना हो, वो मेरे लेक्चर चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर्स के अंदर ये टॉपिक देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था ओवरव्यू चैप्टर नंबर 3 का। अगले लेक्चर में हम आपके इस चैप्टर के बाकायदा आगाज करेंगे, बाकायदा इसके टॉपिक्स की डिटेल्स देखेंगे।